फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जप नेटिंग पे। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में तो बहुत सुंदर है ही, बल्कि बुनने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये डिज़ाइन आप किसी भी स्वेटर पे डाल सकते हैं। जो ये डिज़ाइन है, ये 6 के मल्टीपल से तैयार होगा। चलिए मैं आपको ये डिज़ाइन सिखाती हूँ, पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 6 के मल्टीपल से 30 फंदे डाले हैं। मैंने नीचे बॉर्डर तैयार कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। ये डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होगा। पहली रो में हम 6 फंदे उल्टे डालेंगे। अब 6 सीधे। अब फिर से हम आगे के 6 फंदे उल्टे डालेंगे। सीधे। के उल्टे। ऐसे हम फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो हम पूरी उल्टी ही डालेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड रो में हम पहले 6 फंदे उल्टे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आगे के जो 6 फंदे हमने सीधे बुने थे, उनमें से 3 फंदे हम सिलाई से उतार लेंगे। उतार के हम पिछला तीसरा फंदा आगे ले जाएंगे और आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें पीछे ले आएंगे। ऐसे हम ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब आगे जो हमारे 6 में से 3 फंदे बचे थे, हम उसे भी सिलाई से उतार लेंगे।
और सेम वैसे ही जो पहला फंदा है उसे दो फंदों के पीछे ले जाएंगे। अब ये तीन फंदों को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। अब छह फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फिर से हम वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। तीन फंदे हम सिलाई से उतार लेंगे और फिर तीसरा फंदा आगे ले आएंगे। और अब तीन फंदे हम बुन लेंगे। और फिर से हम तीन फंदे उतारेंगे, आगे का फंदा दो फंदों के पीछे ले जाएंगे। इसे भी हम बुन लेंगे। और फिर से छह फंदे उल्टे डालेंगे। ऐसे हमें ये रो भी हमारी कंप्लीट कर लेनी है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। इस रो से जो हमारा डिज़ाइन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमें जो उल्टी सिलाई है वो हमेशा उल्टी ही डालनी है। आप ये देख सकते हैं कि मेरी उल्टी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो हम फर्स्ट रो जैसे ही बुनेंगे। पहले छह फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे के छह सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे के छह फिर से उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब आगे के छह सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाकी छह उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी जो फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन जो है स्टार्ट हो गया है। अब आगे उल्टी रो हम उल्टी डालेंगे। मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है।
ये डिज़ाइन हमारा सिर्फ 4 सिलाइयों का है। अब हमें फिर से थर्ड रो से डिज़ाइन स्टार्ट करना होगा। वैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डिज़ाइन है मेरा बन गया है। मैं आपको एक बार फिर से ये दिखाती हूँ। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ, 6 फंदे उल्टे डालने हैं। अब आगे के जो 6 फंदे हैं हम उनमें से 3 उतार लेंगे और जो पिछला तीसरा फंदा है उसे आगे ले आएंगे और आगे के जो 2 फंदे थे उसे पीछे ले जाएंगे। ऐसे हम ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। और जो आगे के 6 फंदों में से हमारे 3 फंदे बचे थे अब उसे भी हम सिलाई से उतार लेंगे और जो पहला फंदा है उसे 2 फंदों के पीछे ले जाएंगे। फंदा हमेशा आगे से पीछे लेकर जाना है, आप ये हमेशा याद रखें। ऐसे हम ये 3 फंदे भी बुन लेंगे। और फिर से अब हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से हम पिछला प्रोसेस रिपीट कर देंगे। हमें ये पूरी सिलाई में ये पूरा प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब अगली सिलाई में पिछली सिलाई की तरह 6 उल्टे फंदे डालेंगे। छः सीधे ऐसे हम ये भी प्रोसेस हमारी ये पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे।
अब आगे हम उल्टी सिलाई उल्टी ही डालेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। ऐसे मेरा ये जो ये डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा डिज़ाइन है वो बन गया है। पूरा बनने के बाद जो आपका ये डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से लगेगा। ये देखिए मेरा जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन चार सिलाइयों का ही है। ऐसे चार चार सिलाइयाँ बुन के आपका जो ये डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।